आप देख रहे हैं ग्रीमा टाइम्स। पीने का पानी नहीं होने के कारण रोहतक के कलानौर हलके के गांव सांगाहेड़ा में बीमारी फैल गई है। बच्चों में चमड़ी रोग और अन्य बीमारियां पैदा हो रही हैं। पीने का पानी तो छोड़ो, नहाने और साफ सफाई के लिए भी पानी उपयुक्त नहीं है। नहरी पानी की सप्लाई महीनों से नहीं हो रही, मजबूरन जमीनी पानी पीना पड़ रहा है जो इतना खारा और दूषित है कि डॉक्टरों ने अलर्ट जारी कर दिया। ग्रामीण महंगा पानी खरीद कर पी रहे हैं। इंसान तो इंसान, जानवरों के मुंह से भी झाग निकल रहे हैं। दूषित पानी के प्रभाव से भैंस के बच्चे गिर रहे हैं। यह हालत उस गांव की है जहां से कुछ दूरी पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का घर है और रोहतक वासी सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर भी किसी ना किसी प्रयोजन से कलानौर हलके में आते जाते रहते हैं। गोद में बीमार बच्चे लेकर डीसी दफ्तर पहुंची महिलाओं ने जोरदार नारेबाजी कर गुस्सा जाहिर किया। रोहतक डीसी को ढूंढते हुए सचिवालय पहुंचे, पानी के लिए त्राही त्राही करते ग्रामीणों की बदहाली उन्हीं की जुबानी सुनिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश है जी। सुरेश बताओ। मैं वार्ड नौ से सर्व समिति से बनाया पंच हूँ और जी पानी की इतनी बड़ी समस्या हो रही है हमारे उसमें के बिना कायजा उसमें ये हो गया कि खारा पानी से सारे तो चम रोग की शिकायत हो गई है पूरा गांव में। और फिर ना ही जोड़ तालाब में किसी जगह कोई पानी नहीं है, पशु है जोड़ में पानी की वजह से मतलब पशु गार में लौट जाए हैं और ऐसी ऐसी सिचुएशन हो जाए जी कि पशुओं को ट्रैक्टर से खिंचवाना पड़े है रस्से बांध बांध गए, ऐसी ऐसी सिचुएशन हो जाए है पानी बगैर। और सारे पशु हैं कालडू घेर दिए पशुओं ने पानी बिना, ये समस्या आ रही है जी। और 3 महीने हो लिया नहर के अंदर पानी नहीं आ रहा। हमारी तो वो सिचुएशन हो रही है कि किसान है केसीसी का जो लोन ले रहे हैं वो नहीं भर पाते पानी बगैर, नहर में पानी नहीं जाता। एक मिनट, क्या नाम है आपका? बल्ले राम। बताओ जी क्या समस्या? भाई पानी की पूरी समस्या है, ना तो पीने का ना पशुओं का, सारा पानी से इसकी वजह से सारी मैच बच्चे गिरने लग रही थे। ये के साथ साथ ही है ये फिलहाल से जो बच्चे गिर दी मैच बालक से बीमार हो रहे हैं, खांसी खुजली सारे सब पानी से बीमार। पीने का पानी जरूरी है वो मिलता नहीं, ना डीसी साहब मिलते। हमने कह दी भाई चले गए यार से, तुम्हारा क्या समाधान होगा भाई? इतना काम ये उठ के भाड़ा किराया लाके ऐसे के भी मिल लिए, एक्शन से मिल लिए, कोई समस्या का समाधान होया नहीं हमारा काम। मुख्यमंत्री आपके पड़ोस का है, आपके कलानौर का ही है, उसके बावजूद भी ऐसी समस्या है? मुख्यमंत्री द्वारा हम ना गए था ना हमारी सुना हो शरीर पक है और वो दवाइयों के कारण वो ठीक करने पड़े हैं। मीठा पानी के लिए चाहे तो हमने कैंटर मंगवाना पड़ता है और या तो फिर वो बात है हम इस और इस पानी में यू कर रहे हैं जी। पानी इतना कितना ढो है, हमने एप्लीकेशन बहुत ज्यादा लगवाई है। एक बार गांव में ये गए भी थे, गांव में गए भी थे हमने, तब भी इनसे रिक्वेस्ट की थी जी हमारी पानी की समस्या है, इनने तब भी गौर नहीं किया था। और अब दोबारा हम आ कर यहीं पर आए हैं, हमने सरपंच कई बार बन लिए, सरपंच हमने उनसे एप्लीकेशन लिखवाई है भी हमने पानी की समस्या है, लेकिन किसी ने हमारी गौर नहीं की, हम इस मारे ही भर कर आए हैं। खबरों के लिए देखते रहिए ग्रीमा टाइम्स टीवी और पसंद आए तो प्लीज करें लाइक।